कल दिन भर में एक किताब खत्म की है, एक कमरे से बाहर ही नहीं निकले, क्योंकि समय कोई जरूरी थोड़ी, तुम पढ़ो फोर्स की किताब, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ऐसा करते रहो दिन भर जिससे तुम्हारा विकास हो रहा हो। जैसे नहीं पढ़ रहे हो ना, चल जाओ 20-25 किलोमीटर। तुम इमेजिन करके देखो कि तुम 4 घंटे बैठे हो और बात कर रहे हो, और जिन चीजों पे तुम बात कर रहे हो उससे तुमको कोई फायदा नहीं। हमसे ये सीख लो, हमसे बस तुम एक चीज सीख लो, दिमाग को जिंदा कर लो, उसके बाद दुनिया तुम्हारी है, उसके बाद तुमको जीवन में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद फ्रेंड्स। हमसे ये सीख लो, क्वेश्चन मार्क लगाना। हमसे बस तुम एक चीज सीख लो, दिमाग को जिंदा कर लो, उसके बाद दुनिया तुम्हारी है, उसके बाद तुमको जीवन में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ चीजों को अपने दिमाग पे बोझ डाल के सोचो। शराब में अगर मजा होता तो शराबी भिखमंगे नहीं होते, क्योंकि जिसमें मजा है वो चीज तुम्हें आगे बढ़ाएगी। तुम जिस चीज को कीमती मानते हो अगर उसका लॉस होगा तो तुमको दुख होगा। जैसे दुनिया में 95% लोग समय को कीमती मानते ही नहीं, इसीलिए तो भिखमंगे हैं। जिस दिन तुमने समय को कीमती मान लिया, गारंटी है 5,00,000%, उसके बाद तुम भिखमंगे तो नहीं रहोगे, गारंटी। कल दिन भर में एक किताब खत्म की है, एक कमरे से बाहर ही नहीं निकले, रात में आश्रम गए, वहां ध्यान वान किए, शाम फिर गुरुजी के साथ बैठे 2 बजे तक, बाकी दिन भर पढ़ते रहे। उस इलाहाबाद में जहां मैं जब आता था तो 10-20 लोगों से तो मिलना ही होता था। कि फला फला घर तो जाना ही जाना है, क्योंकि समय कोई जरूरी थोड़ी, तुम पढ़ो कोर्स की किताब, तुम ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़ लो, मनोहर कहानी मत पढ़ना, मनोहर कहानियां मत पढ़ना, कोई जरूरी तुम कोर्स की किताब पढ़ो, रामायण पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, गीता पढ़ लो, बाइबिल पढ़ लो, कुछ तो अचीव हो रहा है। पैदल चल लो, कह लिए तुम्हारे धर्मेंद्र भाई हैं, इनको पहली बार शहर का चक्कर लगवा दिया, पैदल पूरा शहर, ये तो बेचारा एकदम गिर रहा है, गमछा वमछा बांध। कटरा पहुंचे तो वहां किसी से मैं बात करने लगा, रात के 10:30 रहे थे, तो लड़के खड़े थे 3-4, कहे भाई ओझा सर की आवाज है, एक नाले हर जगह तुमको ओझा सर की आवाज। जिंदगी में पहली बार उतना टहले होंगे, कीटगंज और मम्फोर्डगंज, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से मम्फोर्डगंज और उधर सब घूमते गए रात में। हमने कहा चलिए, ऐसे राजा महाराजा शहर का निरीक्षण करते थे रात में, आप कोई आम प्रजा थोड़ी है। आदमी को किसी काम कराने के लिए ताव देना पड़ता है, और ताव में एनर्जी होती है, उसी एनर्जी में काम करा लो। घर पहुंचे तब इनको पता चला कि पर वो दर्द कर रहा। खुशी में, ताव में एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए घर में जब शादी हो देखो 24 घंटे आदमी काम करता है, जैसे बारात विदा हुई ठेले पड़ा सो रहा, वो खुशी खत्म हो गई ना। ध्यान ध्यान दिखाई पड़ने लगती है ना चीजें, तभी तो वही बात बार बार कह रहा हूं। ताव तो चाहिए ही चाहिए ना, मोटिवेशन जब तक बाहर से ले रहे हो तब तक भिखमंगे हो, किसी पे डिपेंडेंट। रिजल्ट दिख ही दिख रहा है, ऐसा थोड़ी होता है किसी को 7 जन्म लग जाते हैं। इतनी हिम्मत और औकात धरती पे किसी की है ही नहीं,
डिमोटिवेशन मैं खुद अपने आप को दे सकता हूं, मैम फैम किसी की औकात। रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग लाइव आ रहा है। देखो सामने तो ना बोल पाएंगे। चला रही हूँ घर में, आग लगा रही हूँ मेरे। ऐसे इसको मंत्रा कहते, देख लो। ऐसे आदमी घर में आग लगाता, देखो कैसे प्यार से एक बार सामने करके दिखा दी। यही सब दुश्मन है, यही सब दुश्मन है। ये नहीं कि चुपचाप मान के बैठ जाए और ये सोच ले कि झूठ बोल रहा मास्टर, इतना सोचने में क्या जा रहा है। लेकिन इतने में कहां तसल्ली मिल रही है। अब समझ रही है, पहले पढ़ी थी। बदतमीज। कह रही सामने कह के दिखाई। अच्छा है वो तुमने आज इसको अपने बगल में बिठाया, ये आग लगाने वाली। नहीं बेटा, किसी को टोपी मत पहनाना, मुझसे कभी गलत चीजें मत सीखना। शासन करना, राज करना, अपनी क्षमताओं का जैसे ध्यान तो चोर भी करता है, अगर चोर का ध्यान टूट जाए तो पकड़ जाए। चोरी का जो कारोबार है वो ध्यान पे ही तो टिका है। कितना कॉन्शियस होता है चोर, सांस भी रोक लेता है। लेकिन चोर का ध्यान किसी के काम नहीं आता। जिसने अपनी शक्तियों का मिसयूज किया, शक्ति को मिसयूज मत करना, ये सब मत करना। सब छोटे छोटे गोल कभी मत बनाना कि लोगों को टोपी पहनाना, ये सब बेकार की बात है, ये सब मत करना। मैं समझ रहा हूं इसी ने कहा होगा, इसीलिए इतना बोल भी रहा हूं। तुमने बीच में टोक दिया ना, भी और गाली देते। जिस चीज को तुम कीमती मानते हो, अगर उसका नुकसान होगा तो तुमको दुख होगा। मैं समय की बात कर रहा था कि तुमने अभी समय को कीमती माना ही नहीं, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ऐसा करते रहो दिन भर जिससे तुम्हारा विकास हो रहा हो। जैसे नहीं पढ़ रहे हो ना, चल जाओ 20-25 किलोमीटर, तो जितना अंदर का कचरा भरा हुआ है सब निकल जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो फायदा हो रहा है। तुम इमेजिन करके देखो कि तुम 4 घंटे बैठे हो और बात कर रहे हो, और जिन चीजों पर तुम बात कर रहे हो उससे तुमको कोई फायदा नहीं है। बचपन में ज्योग्राफी पढ़े थे ना, 10th तक तो पढ़े, कितने तरह की रॉक्स होती हैं बताओ, कौन कौन सी। बचपन में पढ़ा होगा, 10th तक पढ़ा होगा, कितने तरह की होती। उसमें जो धरती का लैंडफॉर्म है पूरा, वो कौन सी रॉक है। इन तीनों में वो कौन सी रॉक है जो बेसिक फॉर्म है पूरी धरती का। सेडिमेंट्री तो बनती है ना, तो कितनी छोटी सी चीज तुम मिस कर रही हो, तो कितनी छोटी सी चीज ये मिस कर रही है, तुम बताओ। थिंक व्हाई, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इस धरती के अंदर मॉल्टन भरा हुआ है, मॉल्टन लिक्विड, तो जब धरती में प्रेशर बढ़ता है तो वो मॉल्टन बाहर निकलता है। वो जो अंदर मॉल्टन है उसको मैग्मा कहते हैं, तो जब वो मैग्मा बाहर निकलता है तो उसको लावा कहते हैं। उस लावा से बनती है इग्नियस, वही इस धरती की लैंडफॉर्म की बेसिक रॉक है। ये पूरी धरती का जो बेसिक फॉर्म है ना, वो इग्नियस है, आग से पैदा हुआ।
इग्नियस। शब्द को देखो, इग्नियस सेडिमेंट्री, कंकड़ पत्थर मिलके जो रॉक बनी उसको सेडिमेंट्री कहते हैं। मेटामॉर्फिक, पत्थर दब गई, सेडिमेंट्री रॉक दब गई हजारों मील अंदर, तो जो ताप अंदर पैदा हुआ हीट, उससे जो उसमें परिवर्तन आया उसको मेटामॉर्फिक कहते हैं। जैसे मार्बल, देखो सब तुमने बचपन में पढ़ा था, क्लास 5-6 में पढ़ा होगा। यही सब पढ़ाए बताओ, सोचो। नहीं नहीं, अब तो एक आदमी मैं बुला रहा हूं दिल्ली से, वो तुम्हारा सिर्फ वो वाला होमवर्क काम वाला काम कराएगा, क्योंकि तुम होमवर्क कर नहीं, वो जो कल हमने परसों किया था वही करना है, 3-5 बार लिखना है उस पूरी कहानी को जो डेली पढ़ाया जा रहा है। तुमको उस दिन फील हुआ होगा परिवर्तन, है ना, घूमेगा, 5 बार लिख लोगे घूमेगा। अभी एक आंसर भी तो लिखाएंगे उस पर, अभी जलील करेंगे उस आंसर पे। सोचो तुमने होमवर्क नहीं किया, फिर तुम दोष दोगे दूसरे को, फिर तुम दूसरे को दोष दे दोगे। एक लड़का बुला रहा हूं दिल्ली से, उसका काम है सिर्फ होमवर्क कराना, 3-5 बार लिखाना और फिर दूसरे दिन उस पर टेस्ट लेना, एक क्वेश्चन देके। जैसे आज मैं एक क्वेश्चन दूंगा एंग्लो कर्नाटिक वॉर पे, अब लिखो, क्योंकि अब तो कंसोलिडेट हो गया ना, पहले क्या लिखोगे। देखो तुम लोग अपना होमवर्क कायदे से नहीं किए तो रॉक फॉर्म तुम्हारा तैयार नहीं है। सोचो एक आदमी तुमको पढ़ा गया, कितना बढ़िया पढ़ाए होंगे वो, तुमको यहां 2-3 टीचर ऐसे मिले होंगे कि तुम देख के सन्नाटे में आ गए होगे। एक होंगे पोरिया सर, अल्टीमेट टीचर, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, और डिसिप्लिन्ड आदमी, क्लास में तुम हंस दो लड़ा दे दीवार तुम्हारा सर, बहुत मारे तुम, वो बहुत डेंजर आदमी, वैसे बहुत अच्छे आदमी है लेकिन वो बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और पंक्चुअलिटी तो कुछ लोग की आदत होती है ना बीच बीच में। अब किसी को जरूरी है तो अलग बात है, तुम इतने लोगों का अगर फायदा ना उठा पाओ तो समझ लो नरक है तुम्हारी जिंदगी, और सिर्फ 1,00,000 रुपए दिए हो 8 घंटे का। अभी दिल्ली जाते तो 2,00,000 रुपए देते 2.5 घंटे का, अगर यहां से दिल्ली चले जाओगे तो 2,00,000 रुपया दोगे 2.5 घंटे का। सोचो 1,25,000 मान लो, 1,00,000 मान लो 2.5 घंटे का, इलाहाबाद में 2.5 घंटे का 1,00,000 और दिल्ली में 2.5 घंटे का 2,00,000, और यहां तुम 8 घंटे का 1,00,000 रुपया दे रहे हो, न्यूज़पेपर पूरा पढ़ रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, क्लास वर्क कर रहे हो, और तब पर भी तुम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हो। अब किसको दोष दोगे बताओ, अब किसको दोष दोगे। चार चीजों में आदमी का दिमाग मर जाता है, उसने सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, एक काम में खत्म हो जाती है, काम में लो मोलेस्टेशन होता है, ये क्यों होता है, आदमी की आंखों पे पर्दा पड़ जाता है,
सेपरेशन, और उस सेपरेशन में उसकी आंख पे पड़ गया पर्दा, उसने स्त्री को पकड़ लिया, जब पकड़ लिया मारा गया तब उसकी आंख खुली। काम पर्दा, क्रोध। हमारा दो सरदार भाइयों में झगड़ा हो गया, एक ने गन निकाला, दूसरे भाई को मार डाला, उसके बेटे को मार डाला, फिर खुद को गोली मार लिया। उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने अपने भतीजे और भाई को मार डाला, क्रोध। तुम में से अगर किसी को क्रोध बहुत आता होगा तो तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि जब भी आता होगा तो विनाश करके जाता होगा और फिर तुम्हें से पश्चाताप करवाता होगा। बहुत खतरनाक। कुछ लोग खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, सर लड़ा देते हैं दीवार में, घड़ी पटक दिए उठा के, मोबाइल फेंक दिए। अड़तालीस घंटे बाद आईसीयू में रहोगे, इससे मैक्सिमम चार मूवी देख सकते हो 12 घंटा, तो 12 घंटा बाद ये बंद होने लगेगी आँख अपने आप। कि अब रहने दो, मन तो अभी भी करेगा लेकिन ये बंद होने लगेगी, नहीं खत्म करेगा ना। यही तो उसकी खास बात है, जब तक तुम उसको देख नहीं लोगे तब तक वो खत्म ही नहीं होने देगा। तुम अकेले थोड़े नाच रहे हो, ये पूरी दुनिया, तुम अकेले नहीं नाच रहे हो, ये पूरी दुनिया, पूरी। सबसे मजेदार बात ये, बिना मतलब इसलिए जिसको ये खेल समझ में आ गया वो हंसा बहुत, और हंसने के बाद वो आया दूसरों को बताने की भैया ही, तो लोगों ने पटक के मारा, लोगों ने नहीं, ये जो समाज के ठेकेदार हैं। महाराज जी को एक बार एबीपी के किसी आदमी ने धमकी दी थी लेटर लिख के, तुमको गोली मार देंगे। जो भी ध्यानवान करने की बात करता है ना, वो समाज उससे बहुत नाराज हो जाता है। धंधा चल रहा है भैया, बेहोश आदमी को तुम दारू पिला सकते हो, उससे वैश्यावृत्ति करा सकते हो, बेहोश आदमी को तुम फटी का पैंट पहना दिए। लोग कोई इमेजिन कर सकता है फटा कपड़ा पहन के घूमना? 6,000 की जीन्स पहन के लोग घूमे, 6,000 की फटी जीन्स, यहां फटी है, यहां नीचे फटी है, कुछ लोग पीछे फाड़ के घूम रहे थे। ये क्या कोई होश वाला कर सकता है? नहीं कर सकता। तो बेहोश, जितना जितनी बड़ी पॉपुलेशन बेहोश रहेगी उतना ज्यादा तुम पैसा कमा सकते हो। गुटखा बेचवा दोगे, देखो जितने मजदूर मजदूर काम करते हैं सब गुटखा खाते हैं, अरबों रुपए का धंधा है। सोचो तुम, वो जो विमल पान मसाला है उसका मालिक 3 बॉलीवुड के स्टार को हायर करता है एड के लिए, अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान, 3। कितना पैसा देता होगा इन तीनों आदमी को ऐड करने का, और ऐड हमेशा कमाई का 10% होता है। तो अगर मान लो इन तीनों आदमी को उसने 50-50 करोड़ रुपया दिया साल में, 150 करोड़, 10% है, तो 1500 करोड़ उसकी कमाई है गुटके से, सिर्फ एक गुटके के पाउच से। उसमें तुम चले आए कह रहे हो ध्यान करो, तो उस लॉबी को बुरा नहीं लगेगा? शादी वादी में बहुत लोगों को सजते हुए, जब दूल्हा दुल्हन सजे हैं तो अच्छी बात, बाकी लोग तुमको कौन देखेगा वे? तुम कौन हो? फर्जी
हाँ नहा लो, बढ़िया कपड़ा पहन लो, चश्मा उश्मा लगा लो, पिस्टल उस्टल लगा लो, जाओ। सच कहा है, तुमको कौन देखेगा? स्त्रियों की बात अलग है, पुरुषों की बात कर रहा हूं। लड़के थ्रेडिंग करा रहे हैं, तब सेक्स भी चेंज करा लो। जब थ्रेडिंग करा रहे हो, ब्लीच करा रहे हो, फेशियल करा रहे हो,